हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर फ्रॉम योर हनी शक्कल बुक. इट इज़ द स्टोरी अबाउट अ डॉग हु इज सर्चिंग फॉर हिज ओन मास्टर. ये डॉग की स्टोरी है जिसे अपना एक मास्टर चाहिए था, कि वो कोई अपना एक मास्टर हो जो उससे थोड़ा पावरफुल है, ऐसे के मास्टर को वो ढूंढ रहा था. सो लेट स्टार्ट. Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with his way of life. एक समय की बात है कि जब डॉग अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे, जैसे वुल्फ जीते हैं ना अपनी लाइफ फ्रीडम में, अपने हिसाब से जीते हैं, वैसे ही डॉग भी जीते थे. फिर उसके बाद क्या किया, जब तक ऐसे ही जिया करे, जब तक एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ कि जो सब इन चीज़ों से परेशान हो गया है और उसको इस तरह से ज़िंदगी नहीं जीनी थी. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम. अब क्या होता है कि एक ऐसे ही डॉग, जब तक वो नहीं पैदा हुआ, ऐसा डॉग पैदा हुआ बाद में, जो इन सब चीज़ों से क्या हो गया था, थक गया था, सिक हो गया था, बीमार हो गया था, थक गया था, खाने की तलाश में खाना इधर उधर ढूंढ के, और दूसरे अपने से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल जानवर थे उनसे डर डर के वो क्या हो गया था, बहुत थक गया था. अब उसे क्या लगा, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. अब उसने क्या सोचा, एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसे मास्टर का सर्वेंट बन जाता हूँ जो इससे सबसे ज़्यादा पावरफुल हो अर्थ में, और सबसे ज़्यादा पावरफुल हो कोई भी, ऐसा मुझे एक मास्टर चाहिए, तो मैं फिर ऐसा मास्टर ढूंढ के उसका सर्वेंट बन जाऊँगा. ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. वो चलता गया तो उसको क्या मिला कि उसी के किन्समैन, यानी जो रिलेटिव बोल सकते हैं यहाँ पे, तो उसी की मतलब रिलेटिव मतलब जो बड़ा वुल्फ मिला, जो उन्हीं की प्रजाति के होते हैं ना, तो बड़ा वुल्फ मिला. तो वो क्या होता है कि उससे बहुत ही स्ट्रॉन्गर भी था और फियर्स यानी वॉलेंट हिंसक भी थे, बहुत मतलब बहुत ही हिंसक होते हैं ना वुल्फ, तो वो वुल्फ ऐसा उसको वो वुल्फ मिला. वर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. तो वुल्फ ने क्या पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, डॉग से पूछा. आई एम लुकिंग फॉर समवन to take up service with, would you like to be my master wolf. तो वो उसने फिर डॉग ने बोला कि मैं कुछ एक ऐसे मास्टर को ढूंढ रहा हूँ, मैं ऐसा एक ढूंढना चाह रहा हूँ कि जिसकी मैं सर्विस दे सकूँ, जो मेरा मास्टर बन सके, तो क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे. I don't see why not the wolf said and this agreed upon. The two of them went together. तो वो बोलता है क्यों नहीं, वुल्फ बोलता है क्यों नहीं, और उससे एग्री हो जाता है. अब दोनों डॉग और वुल्फ दोनों साथ में आगे चलते चले जाते हैं. दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस एंड क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट. तो क्या होता है कि अब वो चलते चले जाते हैं तो एकदम सडनली क्या होता है कि जो वुल्फ रहता है अपनी नाक उठाता है और जल्दी से आगे बढ़ता चले जाता है. मूव्ड क्विकली अपनी पाथ पे आगे बढ़ता चले जाता है और बुशेस में जाके अंदर एकदम और छुप जाता है, बुशेस में जाके एकदम से छुप जाता है. द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग एकदम से जो क्या होता है बहुत ही सरप्राइज हो जाता है. What's come over you, master? He asks, what has frightened you so? तो वो बोलता है कि आप ऐसा क्या हो गया जो आप एकदम से डर गए हो, इतना डर गए हो, ऐसे वो अपने मास्टर से पूछता है. Can't you see there's a big bear out there and he might eat up both of us, you and me? तो वो बोलता है कि आपको क्या आप देख नहीं सकते हो, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि वहाँ से एक भालू चला आ रहा है, बेयर मीन्स भालू, तो भालू चला आ रहा है, वो आपको और वो मुझे भी और तुम्हें भी दोनों को खा जाएगा. Seeing that bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. And he left the wolf and asked the bear to be his master. अब जैसे ही वो देखता है कि वुल्फ क्या है, अब बेयर से डर गया है और वो बियर मतलब वुल्फ से स्ट्रांग है,
तो वो डॉग क्या डिसाइड करता है कि अब वो किसकी सर्विस देगा, किसकी किसकी सर्वेंट बनने के लिए रेडी हो गया है, बेयर बियर का सर्वेंट बनने के लिए रेडी हो गया है। तो अब वो बेयर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। दे बेयर एग्रीड टू हिज रेडीली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। तो बैर रेडी हो जाता है और उसको बोलता है ठीक है अब चलो, अब हम एक आगे चलते हैं और गायों का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन ईट अवर फिल। तो बोलते हैं कि वो बोलता है बैर कि मैं अब गायों को किल यानी मारना, किल करूँगा, गायों को मारूंगा और फिर हम दोनों मिल के खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू ईट दे वर स्टॉप बाय अ टेरिबल नाउज। वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और उन्हें जल्दी ही एक गायों का झुंड दिखता है। बस जैसे ही वो उनके पास जाने वाले रहते हैं तो वो जाते ही रुक जाते हैं। उनको एक टेरिबल नॉइस सुनाई देती है, एक नॉइस आवाज़ आती है अजीब सी, खतरनाक आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। द काउज व मोइंग मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। जो काऊ आवाज़ निकालती है ना मो मो उसकी, तो ऐसे काऊ गाय सारी गायें आवाज़ निकालने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से और दौड़ने लग जाती है घबरा के इधर उधर हर डायरेक्शन में, सब गायें भागने लग जाती है। द बेयर लुक्ड आउट द फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हास्टली डीपर इन टू द फॉरेस्ट। अब बैर क्या करता है, वो भी पेड़ों के पीछे छुप जाता है, वहाँ से छुप के देखता है और छुप के देखते रहता है और फिर वो भी बहुत तेज़ी से भाग जाता है, कहाँ पे घने जंगल में अंदर जंगल की तरफ भाग जाता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम ही आई हैव टू कम हीयर सैड टू द डॉग। अब वो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ऐसे वो डॉग को बोलता है। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। वो बोलते हैं कि वहाँ पे क्या है, लॉयन है जो पूरे जंगल पे राज करता है। द लॉयन हु इज़ ही, तो वो पूछता है डॉग डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रांगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो जो वो बोलते हैं, वो बियर बोलता है कि वो लॉयन लॉयन आया है घने जंगल में। तो वो अब लॉयन पूछता है डॉग कि ये लॉयन कौन है। तो वो बोलता है बियर कि क्या आपको पता नहीं है कि वो सबसे स्ट्रांगेस्ट बीस्ट, सबसे स्ट्रांगेस्ट है जो अर्थ पे सबसे स्ट्रांगेस्ट है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन अर्थ। अब वो बेयर को बोलता है, अब वो बोलता है कि ये डॉग बोलता है कि मैं अब आपको गुड बाय कहता हूँ और मैं तो ऐसे मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जो अर्थ में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, किसी से भी ज़्यादा अर्थ में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। अब जो डॉग है अब वो लॉयन के पास जाते हैं और जाता है और वो उससे क्या बोलता है कि आप मेरे मास्टर बनेंगे। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हीम एंड सर्व्ड हीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब लॉयन भी एग्री हो जाता है और क्या होता है कि वो अब लॉयन की सेवा करने लग जाता है और उसी के पास रहता है, बहुत समय तक रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। अब क्या होता है कि वो वहाँ फॉरेस्ट में रहने लग जाते हैं, जंगल में रहने लग जाते हैं, बहुत अच्छी लाइफ जीता है और उसको कोई कंप्लेंट भी नहीं होती है। अब वो सोचता है कि लॉयन से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट भी नहीं है फॉरेस्ट में और कोई भी इट नो एंड नो वन डेयर टू डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनी वे। और वो ये बोलता है कि अब मुझे कोई भी टच कर नहीं सकता, अब किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे टच करे या मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचाएँ। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ डेट रैन अमाइड बेयर क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप्ड। अब क्या होता है, एक दिन दोनों साथ में घूमते रहते हैं अपने पाथ पर, रास्ते पे चलने चलते चले आते हैं, चलते चले आते हैं। सडनली क्या होता है कि लॉयन शेर रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉज एंड सच फोर्स डेट अ होल फॉर्म्ड देयर। तो अब क्या होता है कि जो लॉयन है वो जोर से गुर्राने लग जाता है, गरज है वो रोरिंग साउंड होता है ना लॉयन का, वो निकालने लग जाता है और ज़मीन पे पैरों से बहुत फोर्स ले पैरों से वो करने लग जाता है, गड्ढे जैसे पे गुस्से में खर्च खरोचने लग जाता है। अब क्या होता है कि वहाँ पे ज़मीन में एक होल हो जाता है। देन ही बिगिन टू वॉक अवेयर वेरी क्वाइटली। अब वो क्या होता है कि और फिर वो आगे बढ़ते चले जाता है। What is it, master? Is anything wrong? asks the dog surprised. अब वो पूछता है क्या हुआ है मास्टर, कोई गलत क्या हो गया, कुछ anything wrong, कुछ गड़बड़ हो गई है कुछ ऐसे, तो ऐसा डॉग वो पूछता है surprisingly. I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or we will be in trouble.
तो वो फिर वो बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पे इस आदमी की खुशबू आ रही है, कि लॉयंस और जो एनिमल्स रहते हैं ना सूंघ लेते हैं ना, उनको इंसानों की खुशबू आती है, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी ही व्यक्ति की खुशबू आ रही है तो मैं सूंघ सकता हूँ। तो लॉयन बोलता है कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देव आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तो अब मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। तो बोलता है मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसे मास्टर चाहिए जो अर्थ में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, किसी से भी ज़्यादा पावरफुल हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। और फिर वो डॉग है ना जो मैन के पास जाता है उसी के साथ में रहता है और उसके साथ में और उसको फेथफुली मतलब विश्वास पात्र होता है और उसी के साथ उसी को सर्व करता है, सेवा करता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द लॉन्ग द डॉग इज मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो वन माई मास्टर नो अदर मास्टर। तो अब ऐसी बहुत पहले अब ये सब चीज़ें बहुत साल पहले हुई थी, अब ये ऐसा ही चलते आ रहा चला आ रहा है कि जो डॉग है वो जो आदमी मैंस का क्या होता है सबसे लॉयल सर्वेंट होता है। आपने देखा होगा कि डॉग जो होते हैं बहुत ही लॉयल होते हैं, अगर हम घर में डॉग पाल के रखते हैं तो उसको बोलते हैं ना डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल। तो डॉग सर्वेंट लॉयल सर्वेंट है और उसको अब और कोई भी मास्टर नहीं पता है। सो नाउ योर लेसन इज़ कम्प्लीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।